नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि विनायक ज्योति सपना कुछ कहता है में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि सपने में पान देखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों यदि आपने सपने में पान का पत्ता देखा है तो ये सपना बहुत ही शुभ सपना माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपना बताता है कि आपकी जो अधूरी इच्छाएं होंगी वो अब जल्दी पूरी होने वाली हैं। आप आने वाले समय में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आपको नौकरी व्यापार में भी लाभ होगा। और यदि आप सपने में खुद को पान खाते हुए देखते हैं तो ये सपना भी बहुत शुभ सपना होता है। ये इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में नए प्रेम का आगमन होने वाला है। ये सपना शादी या किसी मांगलिक कार्य का भी संकेत देता है। ऐसे सपने अविवाहित लोगों को आए तो समझ जाइए कि जल्द ही उनकी शादी की संभावना बनने वाली है। आपको एक सुंदर साथी मिलने वाला है। और यदि आपको सपने में पान का दुकान दिखाई दिया है तो ये सपना भी बहुत अच्छा सपना होता है। ये बताता है कि आने वाले दिनों में आपको सफलता मिलने वाली है या फिर आपके यहाँ शुभ कार्य होने वाला है। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको तरक्की मिलने वाली है। और यदि आप सपने में एक अच्छा पान बेच रहे हैं तो ये सपना ये संकेत देता है कि जल्द ही आपको अपार धन मिलने वाला है। आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आने वाली है। लेकिन दोस्तों यदि सपने में आप खराब पान को देखे हैं तो ये सपना बहुत खराब सपना होता है। इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। झूठ के सहारे आप अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर आप अधिक सफल नहीं हो पाएंगे। और यदि आप सपने में खुद को पान खरीदते हुए देखते हैं तो ऐसा सपना इस बात का संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आप अपने परिवार के लिए कोई महंगी वस्तु खरीद सकते हैं जिससे आपके परिवार में खुशियां आएंगी। और यदि सपने में आप खुद को पान लगाते हुए देखते हैं तो ये सपना बताता है कि आने वाले समय में आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। आप अपने व्यवसाय में कुछ ऐसा बेहतर करने वाले हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगी, घर में खुशियां बनी रहेंगी। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।